मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बदनावर पहुंचे। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बदनावर जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेक्टर प्रभारियों के साथ अन्य पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से बताई। शिवराज को घोषणा मशीन बताया, साथ ही कहा कि शिवराज घोषणा करते रहते हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि शिवराज घोषणा मशीन बन गए हैं। साथ ही कमलनाथ ने शिवराज को भाषण की मशीन, झूठ की मशीन बताया है। यह भाषण की मशीन है, यह मुख्यमंत्री नहीं है, यह तो अब भूमि पूजन मंत्री है। शिवराज सिंह को नौजवान नहीं दिखता, शिवराज सिंह को दुखी किसान नहीं दिखता, माता बहनों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, शिवराज की आंखें नहीं चलती, शिवराज सिंह का मुंह बहुत चलता है। वही आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है, यह तस्वीर आप सबके सामने। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पर तीखा जुबानी हमला बोला। कौन सा पाप मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सी गलती मैंने करी? तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, माता और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है? कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है? 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी हम देंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफे मैं पहली दफे कह रहा हूँ, 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाथ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। मध्य प्रदेश के बदनावर से अनूप जायसवाल की रिपोर्ट।